दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदा प्रधान। दोस्तों चले हम गूगल क्रोम का सेटिंग के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। इसीलिए दोस्त हम जाएंगे गूगल क्रोम में। ठीक है दोस्तों, यहाँ जाएंगे गूगल क्रोम। देखिए यहाँ से सेटिंग के 3 डॉट में क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटिंग को क्लिक करेंगे। सेटिंग, ठीक है दोस्तों, सेटिंग को क्लिक करेंगे। और दोस्तों ये पासवर्ड देखिए, ये पासवर्ड इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो ये पासवर्ड, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ रखोगे, कोई भी लगाओगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आईडी भी सेव होगा और पासवर्ड भी, यहाँ लिखा है सिर्फ पासवर्ड, आईडी भी सेव होगा और पासवर्ड भी सेव होगा, और फलस्वरूप आपका नुकसान होगा। अगर आप कहीं भी अगर गूगल क्रोम चलाओगे तो वो आपका मोबाइल में पासवर्ड सेव होगा, तो आपका आईडी पासवर्ड कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए दोस्त इसी को ऑन कर देंगे। और दोस्तों पेमेंट मेथड देखिए, ये पेमेंट मेथड को भी मैं ऑफ किया है, इसे कभी भी ऑन नहीं करना है। अगर यह ऑफ ऑन किया होगा तो ऑटोमेटिक आपको ये आपका ये कार्ड का डिटेल मांगेगा। डिटेल आपको डाल देंगे, ऑन कर देंगे आपका गूगल क्रोम में, तो ऑटोमेटिक ऑफ कार्ड का डिटेल सेव होगा और वो भी ऐसे हैक हो सकता है। इसलिए इसी को ऑफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए, अगर ये मैं इसको ऑफ किया है, देखिए मैं इसको ऑन कर दूंगा और इसी में एड्रेस दिखाई देता है। अगर कहीं भी आप गूगल क्रोम में ऑनलाइन ख़रीदारी करोगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ एड्रेस आ जाएगा। इसीलिए इसी को दोस्त ऑफ कर देना। अगर ऑफ नहीं करेंगे आप तो ऑटोमेटिक फिल होगा वहाँ एड्रेस में, गूगल क्रोम में, तो आपका एड्रेस हैक होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसी को भी ऑफ कर देना। देखिए ऑफ कर दिया मैं ये। और देखिए दोस्तों, और दोस्तों ये देखिए थीम है, थीम को अगर क्लिक करेंगे, ये अभी मैं सिस्टम डिफॉल्ट में रखा है, इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए डार्क मोड, डार्क मोड क्लिक करेंगे तो डार्क मोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लाइट कर देता हूँ, अभी रात को मैं डार्क मोड के रख करके मैं मोबाइल देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि ज़्यादा लाइट करके देने से भी आँख ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं डार्क मोड रात को करता हूँ। और यहाँ रखोगे तो वह अपने आप चेंज होता रहेगा, रात को नाइट मोड, दिन में लाइट मोड होता रहेगा यहाँ रखोगे तो। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए यह सिस्टम डिफॉल्ट में रखा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, दोस्तों ये प्राइवेसी है, प्राइवेसी में ये देखिए डू नॉट ट्रैक लिखा है, इसी में अगर ऑन कर देंगे इसी को, आपको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसको ऐसे कभी भी ऑफ नहीं करना, इसको ऑन कर देंगे। ऑन कर देंगे तो आपको कोई भी गूगल क्रोम में आप काम करोगे तो कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता है, हैकर लॉग। ठीक है दोस्त, इसको ऑन करके सदा रखना है, मैं ऑन किया है। ठीक है दोस्तों, और बैक चलेंगे, और ये असेसिबिलिटी देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा है
या टेक्स्ट स्केलिंग, इसी को अगर ये देखिए, इसी को हम बढ़ाएंगे तो लेटर को बड़ा बड़ा होगा, इसी को छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे करके करोगे तो ये बड़ा होगा लेटर। देखिए हम अभी यहाँ से दिखाते हैं बैक करके, अभी गूगल क्रोम में जाएंगे और देखिए ये लेटर बड़ा हो रखा है, देखा है दोस्तों, इस तरह होता है। ठीक है दोस्तों, और ये असेसिबिलिटी, इसी को बुज़ुर्ग लोग के लिए ये फ़ायदा होता है, जिसको आंख अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है इसी को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये साइट सेटिंग में दोस्तों कुकीज को, इसी को देखिए ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज रखना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको थर्ड पार्टी हैकर लोग हैक करने के लिए चाहेंगे तो वो ब्लॉक होगा, इसीलिए आप यह ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज का रखना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी थर्ड पार्टी ब्लॉक आपको हैकिंग कर नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्त, इसीलिए इसी को क्लिक करके रखना, मैं इसी को क्लिक करके रखा है। ठीक है दोस्तों, ये इसी में अलो कुकीज को कभी अलो नहीं करना है, इसी को ब्लॉक करना है। हाँ ठीक है दोस्तों, और दोस्त ये लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज ये मेरा अभी इंग्लिश है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी आप गूगल क्रोम में पढ़ रहे हो, दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पढ़ रहे, मान लीजिए ये पढ़ रहे हो, इसमें इंग्लिश में लिखा है, आप कुछ नहीं जानते हो क्या लिखा है, इसको इंग्लिश में आप हिंदी में आपका भाषा में पढ़ सकते हैं। मान लीजिए इसी को पढ़ना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, नहीं तो इसी को पढ़ेंगे, कोई भी इसी को पढ़ देते हैं आपका भाषा में करके, हिंदी में हम बदल देंगे इसको। ठीक है दोस्त, तो उसी को बदलने के लिए क्या करेंगे, हम फिर उसी में जाएंगे, कहाँ, गूगल क्रोम में, और इसी में क्लिक करेंगे, सेटिंग में क्लिक करने के बाद ये लैंग्वेज में क्लिक करेंगे, लैंग्वेज, और यहाँ देखिए ऐड लिखा है, इसी में ऐड में क्लिक करेंगे लैंग्वेज को, और यहाँ हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी को चुनेंगे अभी, हिंदी को मैं चुन लिया, हिंदी को चुन के उसको बैक कर देंगे, बैक करेंगे तो ये अभी मैं गूगल क्रोम को देखता हूँ, देखिए इसको हमको ये पढ़ना है, मान लीजिए इसी को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश हो रखा है, देखिए इधर हिंदी आ गया, हिंदी हो गया, अभी देखिए हिंदी हो जाएगा, ये देखिए हिंदी में परिवर्तन हो जाएगा, देखा है दोस्तों, हिंदी में परिवर्तन हो गया। और इसी को मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं हिंदी को, मैं मान लीजिए उड़िया कर देता हूँ, मैं उड़िया कर दूँगा तो इसी में क्लिक करेंगे, देखिए ये थ्री डॉट में उड़िया कर दूँगा, इसके बाद मोर लैंग्वेज में क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मोर लैंग्वेज में क्लिक करके मैं उड़िया कर दूँगा, तो उड़िया कहाँ लिखा है उसको चुनेंगे, ये देखिए उड़िया यहाँ लिखा है, देखो इधर अभी उड़िया हो जाएगा, अभी देखिए उड़िया भाषा हो जाएगा, आपका जो भाषा है उसको आप चुन सकते हैं, बंगाल, तेलुगु, तमिल, ठीक है, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं भाषा पढ़ने के लिए। देखा है दोस्त, कई प्रकार का फ़ायदा होता है गूगल क्रोम का, है ना दोस्त। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, और
आपका दोस्त को भी शेयर कर देंगे। और अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए लाइक बटन दबा देंगे और ऑल नोटिफिकेशन को दबा देंगे। दोस्तों रखता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।